सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। चीफ जस्टिस एक के बाद एक दे रहे बड़े झटके। मोदी सरकार के माथे पर आया पसीना। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में मोदी सरकार के गलत नीतियों की पोल खोल रही है। वहीं मोदी सरकार न्यायपालिका को झुकाने के लिए षड्यंत्र रच रही। अपने चहेते वकीलों से सीजीआई को पत्र लिखवा न्यायपालिका पर विपक्ष के दबाव में होने का आरोप पढ़ा गया। न्यायपालिका सरकार के खिलाफ न जाए इसको लेकर सरकार तमाम हथकंडे अपना रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी झुकने वाली नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सरकार को समझा दिया, अब खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इशारों में वकीलों को नसीहत दे दी। इससे पहले जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस नागरत्न ने मोदी सरकार की क्लास लगाई थी। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ सरकार से कहा था, यदि कार्यपालिका अपने कामों को सही ढंग से नहीं करेगी तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। जस्टिस नागरत्न ने मोदी सरकार की नोटबंदी की नीति पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही जस्टिस नागरत्न ने गवर्नर और राज्य सरकारों के झगड़े को लेकर भी की थी चिंता जाहिर। अब पत्र लिखकर न्यायपालिका पर विपक्ष के दबाव में होने का आरोप लगाने वाले वकीलों को सीजीआई ने सिखा दिया सबक। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इशारों में दी हिदायतें, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से पहले सोचे वकील, आम आदमी की तरह न करें टिप्पणी। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। आखिर मामला क्या है, लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सीजीआई ने जोर देते हुए कहा, वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया, जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में कहा, हमारे जैसे जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों का झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और वकील को यह बात नहीं है। हालांकि बार के मेंबरों को अदालत और संविधान के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम को लेकर चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात। देश के चीफ जस्टिस ने भारत के जुडिशरी सिस्टम को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कहा, न्यायपालिका बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपातपूर्णता कार्यपालिका विधायिका और निहित राजनीतिक हितों से शक्तियों के अलगाव के लिए आगे आई है। हालांकि हमको यह नहीं भूलना चाहिए, न्यायपालिका की आजादी और बार की आजादी के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा, एक संस्था के रूप में बार की स्वतंत्रता कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए नैतिक कवच के रूप में कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वालों को नसीहत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले वकीलों को नसीहत देते हुए सीआई ने कहा, एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है। एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं, हम तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करते हैं। यह तारीफ और आलोचना भले ही पत्रकारिता, राजनीतिक टिप्पणी या सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों ना हो, हम अगर कुछ कहते हैं तो उसका असर बड़ा होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बार एसोसिएशन के मेंबरों और पदाधिकारियों वकीलों को अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय आम लोगों की तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक अपने फैसले से अब मोदी सरकार को बड़ा झटका दे रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।